नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 3 दिन में मोदी 2.0 का पहला विस्तार, 28 की जगह खाली, 17 से 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। सिंधिया अनुप्रिया के अलावा 3 पूर्व सीएम होंगे मोदी के नए मंत्री। शिवसेना बीजेपी के सुर बदले, संजय राउत ने आमिर और किरण के रिश्ते जैसा बताया, कहा हमारी राहें अलग लेकिन दोस्ती कायम। फडणवीस ने कहा हम कभी दुश्मन नहीं रहे। भागवत पर ओवैसी का पलटवार, संघ प्रमुख ने कहा था लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, AIMIM चीफ ने कहा यह नफरत हिंदुत्व की देन है। BCCI का फैंस को दिवाली गिफ्ट, अक्टूबर में IPL को मिलेंगी दो नई टीमें, 2,000 करोड़ रुपए होगा बेस प्राइस, दिसंबर में होगा मेगा ऑक्शन। रिवर फ्रंट घोटाले में कार्रवाई, यूपी, राजस्थान और बंगाल में 40 जगहों पर CBI के छापे, अखिलेश यादव के कई करीबी और गोरखपुर में BJP विधायक निशाने पर। दिनेश कार्तिक ने माफी मांगी, बैट को बताया था पड़ोसी की बीवी, सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद कहा माँ और पत्नी से खूब डांट पड़ी। कोरोना के देश में 24 घंटे में 40,111 केस आए, 42,322 ठीक हुए और 725 की जान गई, बीते दिन 19 राज्यों में 10 से भी कम मौतें। कोरोना की दोनों लहरों पर रिजल्ट, रिपोर्ट में दावा पहली लहर के मुकाबले दूसरी में कम पुरुष अस्पताल में भर्ते हुए, हॉस्पिटल में मौतें 3.1% बढ़ी। टीम इंडिया तोड़ेगी पाकिस्तान का रिकॉर्ड, भारत के पास श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे जीतने वाली टीम बनने का मौका, रिकॉर्ड से बस 2 जीत दूर। अमेजन CEO का पद छोड़ रहे जेफ बेजोस की कहानी, इंटरनेट पर किताब बेचने से की थी शुरुआत, आज 15 लाख करोड़ के मालिक, तलाक के पैसों से वाइफ बन गई थी दुनिया की 4थी सबसे अमीर महिला। पाकिस्तान का बेबुनियाद आरोप, PM इमरान बोले हाफिज सईद के घर पर हमले की प्लानिंग और फाइनेंस में भारत का हाथ, पाक NSA का दावा, मास्टरमाइंड रॉ का एजेंट। जमानत के बाद लालू के पहले इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आप मार्गदर्शक रहेंगे या राजनीति में सक्रिय होंगे, उन्होंने जवाब दिया नेता रिटायर नहीं होता, मार्गदर्शक तो वो हाफ पेंट वालों का कॉपीराइट है। जून तिमाही की शुरुआत, HDFC बैंक की उधारी पहली तिमाही में 14.4% बढ़ी, 11.47 लाख करोड़ रुपए हुई कुल उधारी। सोने चांदी की चमक बढ़ी, फिर 70,000 के पार हुई चांदी, सोने में भी आई तेजी, डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने के आसार। प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे, कई देशों के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शामिल होंगे। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, बांकुरा में भाजपा तृणमूल कार्यकर्ता भिड़े, भाजपा का आरोप TMC के गुंडों ने सोनामुखी से विधायक दिबारा घरामी पर भी हमला किया। मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गुलाब मुरलीपुर का है, जहां पर अभी कुछ ब्राह्मण लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जबरन मुस्लिम बनने का आरोप लगाया गया था। पूर्व सपा सांसद के समर्थकों ने चंद्रशेखर यादव का फूंका पुतला, पूर्व सांसद रामकिशन यादव के समर्थकों में भारी आक्रोश। कोरोना के नए ट्रीटमेंट की तैयारी, UK की यूनिवर्सिटी ने 5,000 से ज्यादा दवाओं पर रिसर्च की, इनमें से 15 ड्रग्स COVID-19 के इलाज में काम आएंगी। दिल्ली में अनलॉक 6, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे, सिनेमा हॉल, स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहें टुडे 24 न्यूज के साथ।